माजी साहब, खैरियत तो है ना? आपने फोन करके मुझे बुलाया। घर में सब ठीक है ना? कोयम साहब, आप तो जानते हैं डैडी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। उनकी दवाइयां भी अब खत्म हो चुकी हैं। घर का गुजारा भी अब बड़ी मुश्किल से होता है। आपको मालूम है कैसे हालात चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोयम साहब, अल्लाह हम सब पे रहम करे, अब तो उसी का सहारा है। बेशक। अच्छा मैं चलता हूँ, घर में बच्चे इंतजार करते होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुयम साहब, लॉकडाउन में किधर से आ रहे हो? माजिद भाई के यहाँ से आ रहा हूँ। बहुत परेशान है बेचारा, हालात भी बहुत खराब है। कुयम साहब, माजिद भाई की हालत बताकर आपने बहुत अच्छा किया। मेरी हालत माशाल्लाह आज बहुत ठीक है, कल का पता नहीं। हमें चाहिए कि हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें ताकि कल अल्लाह के हुजूर खड़े हो सके। ये लो और जल्दी जाओ, माजिद भाई को दे आओ। सजाद साहब, अगर सारे इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो जरूरतमंदों की तादाद ना होने के बराबर हो जाएगी। अब जल्दी जाओ, माजिद भाई परेशान होंगे। मेरा नहीं कहना, कुछ और कहकर दे देना। आप फिक्र मत, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। इन पैसों की जरूरत आज मुझे भी है, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे आज तक भूखा नहीं सुलाया। क्या पता वो मेरा इम्तिहान ले रहा हो। ये पैसे तो माजिद भाई का है। हाँ, माजिद भाई का है। माजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। इस आजमाइश की घड़ी में जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद करना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद की हाजत रवाई हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।